हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन दिया है, तो पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि तो आपको इससे पहले बेसिक जो चीजें हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ए बी एंड सी बी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ओ पॉइंट पर। एक लाइन ए बी है, एक सी डी है और ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और दे रखा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70। ए ओ सी मींस ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई मींस ये वाला एंगल, दोनों का सम 70। और एंगल बी ओ डी और ये वाला एंगल दे रखा है हमारे पास 40 डिग्री। तो हमें BOE फाइंड करना है और रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सॉल्यूशन, एंगल BOD इक्वल्स टू AOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल जो भी आप बराबर कर रहे हैं उसके सामने उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एंगल जो आप बराबर कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होगा और उसका कोई भी माप नहीं मिलेगा। तो BOD की लेंथ है 40, हमारा AOC भी 40 आ जाएगा। क्लियर। अब इस AOC को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो इसे लिखते हैं पुट इन 1। तो AOC की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल्स टू 70। राइट हैंड में ले जाए इसे 40 को, तो BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा पहला आंसर आ गया BOE। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE, तो उससे पहले हमें COE भी फाइंड करना है। अभी देखिए ये 40 तो ये भी 40, BOE ये आ गया 30, हमें COE निकालना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन है AB, तो AB पर ऊपर बने हुए तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB या BOE इक्वल्स टू 180। AOC की वैल्यू है हमारे पास 40 प्लस COE हमें फाइंड करना है और BOE भी आया है हमारे पास 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। इस 40 और 30 को ऐड करा हो गया 70 और दे दिया हमने राइट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 70, तो बचेगा हमारे पास COE इक्वल्स टू 110। हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE, तो रिफ्लेक्स आप किसी भी एंगल का जब निकालेंगे तो हमें उससे 360 में से माइनस कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स COE इक्वल्स टू 360 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 250। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर और POY दे रखा है 90, A रेशो B दे रखा है 2:3, तो हमें तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। एक लाइन XY एक MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर और एक एंगल दे रखा है 90, तो दूसरा वाला भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हाफ 90 दूसरा वाला भी 90। ये दोनों जो रेशो दे रखे हैं इन्हें अपने मान लें। Let a equals to 2x and b equals to 3x. X by a is straight line. Since x by is a straight line, the straight line angle x o p angle x o p plus p o y equals to 180 होगा.
होगा कि नहीं? हाफ एंगल प्लस हाफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर कह सकते हैं इसे हम। दोनों ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, XOP की वैल्यू है ये पूरा एंगल XOP है, मींस a प्लस b, और a प्लस b की वैल्यू है 2x प्लस 3x प्लस PO by दे रखा है 90 इक्वल्स टू 180। ये 2x और 3x हो जाएंगे 5x, इस 90 को बराबर हम देखने वाले हैं माइनस का, तो 5x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 90, इस 5 से 90 को डिवाइड कर दें हो जाएगा 80, जो हमारा वैल्यू हमने लिया था साथ में के वो आ गया 80। यहां से a और b की वैल्यू निकाल लें, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 into 80 हो जाएगा 36 डिग्री, और b आ जाएगा 3 into 80 54 डिग्री। अब इसके बाद हमें निकालना है c। अब ये देखिए b एक स्ट्रेट लाइन है mm, और mm का बने हुए दो एंगल हैं b और c, लीनियर पेयर होंगे। नाउ mm इज स्ट्रेट लाइन और इन पर बने हुए हमारे b प्लस c इक्वल्स टू 180, रीजन लीनियर पेयर। बता रहा हूं फिर से कि आप आगे मेंशन जरूर करें कि वो क्यों बना हुआ है, क्यों सम 180 आ रहा है, सभी कुछ। b की वैल्यू है 54, c हमें फाइंड करना है, तो 54 को आप राइट हैंड में देखते हैं माइनस का हो जाएगा, और यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 126, तो ये आपकी वैल्यू आ गई a b और c की। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन फिगर 6.15 PQR बराबर है एंगल PRQ के, ये एंगल PQR है वो PRQ के इक्वल दे रखा है। हमें प्रूव करना है PQS PRT के बराबर होगा। PQS ये एंगल, PRT इस एंगल के बराबर होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनको ले लीजिए सॉल्यूशन। एंगल PQR इक्वल्स टू पी आर क्यू, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। क्लियर? अब दो नंबर आपस में बराबर है, अगर हम इन दोनों को किसी एक नंबर में से माइनस करें तो बराबरी क्वांटिटी आएगी। दोनों को 180 में से माइनस करते हैं, 180 माइनस पी क्यू आर, और इसे भी 180 माइनस PRQ, लिखने आगे subtract from 180 on both side, दोनों साइड अपने 180 में से माइनस कर दिया। अब ये देखिए पूरा 180 है, होगा लीनियर पेयर से 180 में से अगर PQR माइनस कर दिया क्या बचेगा? PQS बचेगा, वही लिखते हैं एंगल PQS equals to, ये भी पूरा 180 है और इसमें से हमने PRQ उठा रहे हैं, तो ये बचेगा PRT equals to PRT, region linear pair। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 complete। नोट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन फिगर 6.16 ये ड्रॉ करी हुई है, x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। किसी भी एक पॉइंट को, तीन पॉइंट है यहाँ पर मिलाया गया है, अगर उसे लाइन प्रूव करना है, मींस लाइन जब होगी तब उस पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का फॉर्म होगा तभी वो लाइन प्रूव होगी। अगर इसमें x plus y, w plus z इन दोनों में से किसी के इक्वल में 180 प्रूव करते हैं तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ये हमें गिवन दिया हुआ है। देखिए पूरा एंगल कंप्लीट एंगल है, वापस वही आ रहा है, तो 360 का होगा, तो x plus y plus w plus z equals to 360, रीजन कंप्लीट एंगल।
क्लियर। अब x प्लस वाई की जगह पुट कर सकते हैं डब्ल्यू प्लस जेड या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई, इन दोनों में से सेम क्वांटिटी रख दें, x प्लस वाई को वाई रख दिया, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई कर दिया, इक्वल्स टू 360 रीजन फ्रॉम वन। क्लियर, ये हो जाएंगे 2x और 2 ही y जाएंगे, इक्वल्स टू 360, 2 चला जाएगा कॉमन लेके अपॉन में, तो x प्लस y, चलो देखते हैं इस स्टेप में हम, तो x प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा 360 अपॉन 2 आ गया 120, x प्लस y इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री, मींस A O B A क्या है, स्ट्रेट लाइन, हेंस A O B इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इन फिगर 6.17 P O Q इज अ लाइन, एक लाइन है हमारे पास P O Q, अब इस लाइन पर O R इज परपेंडिकुलर टू लाइन P Q, एक लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, इस यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे दिया हुआ है OS इज द अनदर रे, OS एक दूसरी रे है जो कि इन दोनों के बीच में है, प्रूव करना है कि ROS बराबर था QOS माइनस POS। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप पूरे का सम करें इन दोनों को सॉल्व करके कर लें, या हम QOS और POS को निकाल लें पहले, तो हम इस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। देखिए एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस है दो पार्ट में टूटा हुआ, एक क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, तो इसे लिखें क्यू ओ आर माइनस आर ओ सॉरी आर ओ एस। क्लियर, क्यू ओ आर को लिख सकते हैं हम 90 प्लस आर ओ एस, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम निकालेंगे पी ओ एस, POS, देखिए POS कितना है, अगर POR में से SOR या ROS हटा दें इस पूरे में से, अगर हम इतना माइनस करें तो ये तो बचेगा POS, तो हम लिखेंगे POR माइनस ROS। क्लियर, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो POR हो गया 90 माइनस आर ओ एस, इक्वेशन नंबर 2, और इसका रीजन लिख दें कि एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू पी ओ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर, अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है ये और हाफ को, नाउ 1/2 QOS minus POS equals to, तो 1/2 ऐसे ही QOS की वैल्यू 90 plus ROS minus POS की वैल्यू 90, और ये देखिए यहाँ माइनस का हो गया है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ROS हो जाएगा प्लस का ROS। ठीक है, कहाँ से आ रही फ्रॉम 1 and 2, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, 1/8 ROS और 1 ROS हो जाएंगे 2 ROS, ये दोनों भी कैंसिल, तो ये आ गया हमारा ROS, और यही हमें प्रूव करना है, प्रूव। क्लियर, नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, x by z दे रखा है 64 एंगल, x y को प्रोड्यूस करा गया है P पॉइंट तक, डायग्राम बनाना चाहिए बहुत ध्यान से, x by z, तो मान लिया हमने, चलिए ऐसे लेके चलते हैं x by z, तो ये हो गया एंगल पॉइंट x, ये हो गया y और ये हो गया z, और ये कितना है 64 डिग्री। क्लियर यहां तक, अब x y को आगे प्रोड्यूस करा गया है P पॉइंट तक, इसे आगे प्रोड्यूस करा गया P पॉइंट तक, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द ग्रिड इंफॉर्मेशन, इतना हमने बना लिया। अब इसके बाद रे बाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड बाई पी को,
जेड बाई पी को एक रे है बाई क्यू जो इसे बाईसेक्ट कर रही है, मींस ये एंगल जो है उनके दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल। हमें फाइंड करना है x by q और this x by p, q by p, x by q निकालना है, x by q और रिफ्लेक्स q by p, क्लियर। अब ये लाइन इसे बाईसेक्ट कर रही है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। सॉल्यूशन, सिंस ये बाई क्यू लाइन बाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है किसे, एंगल जेड बाई पी को, तो हम इसे रेड कर लें, इसे भी हमने एक्स मान लिया, इसे भी एक्स मान लिया, तो एंगल जेड बाई क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई पी बराबर होगा, बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए, और इक्वल्स टू एक्स कह सकते हैं, से कहा माना कुछ भी, ठीक है। अब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके बने हुए एंगल का सम कितना होगा 180, तो एंगल एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी इक्वल्स टू 180, इसकी वैल्यू है 64 प्लस ये भी एक्स और ये भी एक्स इक्वल्स टू 180, 64 को राइट हैंड में भेज दे माइनस का हो जाएगा और एक्स और एक्स हो जाएगी 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो माइनस करिए इसमें से बचेगा 160, 6 × 10 = 7 × 8, 2 से इसे कट करते हैं तो ये 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 58, और x को हमने क्या माना है, x को माना है z by q, मींस हमारा पहला आंसर आ गया z by q, अभी तो कोई आंसर नहीं आया, x by q निकालना है, x by q, x by q मींस 64 प्लस x, अब z by q equals to 64 plus x, तो 64 प्लस x की वैल्यू है 58, ऐड करते हैं 8 × 4 = 12, 6 × 5 = 1 = 12, तो ये आ गया हमारा 122। अब निकालना है q by p का रिफ्लेक्स, तो q by p को माना था हमने x, तो q by p तो आ चुका है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्ट जब निकालते हैं तो उसे 360 में से माइनस कर देते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं, तो रिफ्लेक्ट q by p इक्वल्स टू 360 माइनस q by p, 360 माइनस q by p को मान लिया है x और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 58, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 2, तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है, थैंक यू।